दोस्तों गांव है खन्नुवड़ा, और जैसे कि आपको पता है हमने दो दिन पहले आपको दिखाया था खन्नुवड़े के हालात इतने माड़े, हमने दो दिन पहले आपको दिखाया यहां पर गलियों में पानी ही पानी था, करीब 5 फुट पानी था यहां पे। आज पानी तो उतर गया पूरे घर में, मतलब मिट्टी थी, चलो इनकी मेहनत है हिम्मत है उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन आज जो डरावनी तस्वीर आज सामने आई है वो परसों से ज़्यादा खतरनाक है। परसों सिर्फ पानी था लेकिन आज तो मतलब आप देख सकते हैं कपड़े हैं, कितनी स्मेल आ रही है, घर में अनाज है वो सामने आप जूते देख सकते हैं, कुछ भी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, तो मतलब पानी से बहुत नुकसान हुआ, कुछ नहीं रहा आज ये खन्नुवड़ा, मतलब हालात बहुत माड़े हैं। तो बात करेंगे भाई साहब से। वीर जी सत श्री अकाल। की नाम जी अपना? अमराव सिंह जी। अमराव सिंह जी, तो वैसे तो देखो हमारे सामने ही है जो भी हालात है, तो क्या कहना चाहोगे, कितना नुकसान है? नुकसान तो टोटल नुकसान है जी गाँव का। अच्छा जी। हाँ जी, 100% नुकसान है जी। कपड़े का, लत्ते का, फर्नीचर का, इलेक्ट्रॉनिक चीज का जी, गेहूँ का, जीरी थी, चावल थे। अच्छा। बच्चों के कब वो पड़ी जी किताबें। हाँ, किताबें देखो जी। अच्छा जी, जूते जाते कुछ भी नहीं जी, कपड़े में स्मेल है जी, स्मेल है सारे मेरी खत्म है जी, सारा फट गया जी उधर से, ऊपर से बात फिर से यार ऊपर से बात। ये बेटे कौन से स्कूल में जाते हो? ऊपर चल जाता है मैं ऊपर आ जाऊं। न्यू हैप्पी स्कूल, क्या नाम है बेटे? मनरूप, मनरूप कौर। कितनी उम्र है? एज कितनी? 8 साल की बच्ची है। और जहां इसको इस समय स्कूल से आके, स्कूल गए थे आज? नहीं। आज बेटे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय बहुत ऊंची जगह है। बेटे इधर आ जाओ। कहाँ थे जिस टाइम पानी आया यहाँ पे? कहाँ थे? वहाँ घूम रहा था जी। एकदम से पानी आ गया? हाँ जी, पीछे से पानी आया। अच्छा अच्छा, तो कितना पानी आया यहाँ से? यहाँ तक था मेरे। अच्छा, इतना पानी आ गया। हाँ जी। तो डर तो लगता है जब ऐसा हालात में। हाँ जी, गाड़ी गुड़ी में पानी बढ़ गया, मोटर बाइक में, सब में। ये फर्नीचर खराब हो गया। फर्नीचर आप देख सकते हो पीछे, ये सोफा है, बेड है, कुछ भी है, अंदर आप हालात देख सकते हो कि यहाँ पे अभी खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, स्मेल आ रही है। और ये सामने सुपर सीडर है और इस पे निशान पड़ गए जहाँ तक इसमें पानी था, यहाँ पे कम से कम 5 फुट पानी था। जैसे घर में अनाज है, गेहूँ है, चावल है, कुछ भी है, सब कुछ ख़त्म है। और ऊपर से यहाँ के लोगों की नाराजगी है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया, हमें हेल्प की है लोगों ने, किसान यूनियन है, गुरुद्वारा साहब है, यमुनानगर से बहुत सी संस्था है, एनजीओ है, जो यहाँ पे अनाज वगैरह, यहाँ पे जैसे खाना वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, तो लेकिन प्रशासन कोई आदमी अभी तक नहीं आया। बेटे का मन सिंह रहता जी। कौन से स्कूल में? गणपति जी। कुछ कौन सी क्लास? 8th। 8th क्लास। तो दोस्तों हालात हैं और इस त्रासदी ने खन्नुवड़े को कई साल, शायद कई साल पीछे हटा दिया। तो खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि किसी की आंख खुले। तो वीर जी प्रशासन का कोई, इधर आ जाइए थोड़ा सा, प्रशासन कुछ कहना चाहोगे? कोई आदमी आया आपके बीच में? नहीं जी, बस सुबह फोन किया था जी बीडियो साहब को। अच्छा जी। पटवारी जी को फोन करा था। ठीक है जी। सफाई कर्मचारी भेजो जी यहाँ। हाँ। ये गलियां कीचड़ हो रहा, थोड़ा बहुत हेल्प कराए लोगों की। जी जी जी। तो सेक्रेटरी साहब बोल रहे जी, कहा हम लोग आपके घर की मदद नहीं कराएंगे। अच्छा। काम नहीं करा सकते हम, तो सिर्फ गली साफ करेंगे जी। मैं गली को यहाँ पे आके हालात तो देखो ना, गली तो साफ करो जी। फोन पे बातें कर रहे, वो कहा मैं आप है नहीं, कहा गांव में आप फोन पे बात करते हो, हम ये हम काम कर रहे जी, कहा हमको कह रहे कहा फोन पे बातें करते हो। अब ये लोग अपने अपने अच्छा जी, वैसे यहाँ पे हमने देखे कि कल भी यहाँ पे पूरा दलदल था, तो कैसे अपने आप खुद साफ किया जी? खुद साफ किया जी हमने तो अपना, गलियों में हमने देखा, गली अपने पीछे देखी, बुलाया था जी। अच्छा जी। फिर आज बिलासपुर से आए थे जी। जी जी जी। मित्र 15-20 बंदे वहाँ से आए थे जी। अच्छा जी। फिर मानीपुर गांव है वहाँ से आए थे मेरे दोस्त जी। जी जी जी। फिर वो बीडीओ साहब को फोन करा, इसको प्रदीप सेक्रेटरी को फोन करा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से चेयरमैन साहब आए थे हमारे वीडियो ब्लॉक के। अच्छा जी। उन्होंने फिर 4 बंदे भेजे, वो उन्होंने सामान सामून थोड़ा अंदर करवाया। अच्छा, तो हालात माड़े ही हैं दोस्तों। तो अब जो गलियों में हमने कल जो हालात देखे, गलियों में पूरा दलदल था, चलो अभी हालात तो थोड़े इन्होंने साफ कर दिया, लेकिन मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। अगर कोई संस्था, एनजीओ वगैरह कोई आसपास से, यमुनानगर से आसपास, बिलासपुर कोई देख रही है, इनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वेरी गुड, अच्छी बात है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक भी खबर पहुंचे। देखते रहिए सिटी 71।